सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु शांति 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 छंदो के उपनिषद में हम पढ़ रहे थे पहले हमने पढ़ा कि सुख कहाँ है सुख भूमा में है यो वही भूमा तत्सुख उस भूमा को हम कहां देखें कहाँ ढूंढें, कहाँ पाए उसकी उपलब्धि कहाँ हो तो कहा हृदय के अंतर आकाश में उसकी प्राप्ति होती है जिस व्यक्ति को उसकी प्राप्ति हो जाती है उसका क्या लक्षण है क्या अंतर रहता है जिसको उसकी प्राप्ति हो गई उस व्यक्ति में और जिसको उसकी प्राप्ति नहीं हुई उस व्यक्ति में दोनों में क्या अंतर है तो बताया जिस व्यक्ति को हृदय आकाश में अंतर आकाश में उसकी प्राप्ति हो गई उसका सब लोकों में यथा कामचार हो जाता है निर्बाध गति को वो प्राप्त कर जाता है उसकी सब सत्य कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसकी जो सत्याकामा कामा पिधाना ऐसे जो कहा जाता है अनृत से ढकी हुई है कामनाएं तो उसका का ढक्कन हट जाता है और सत्य उसकी अभिव्यक्त हो जाती हैं तो कामना अभिव्यक्त हो जाती है इसका मतलब है उसकी हर जगह निर्बाध गति को वो प्राप्त हो जाता है उसकी गति सब तरफ हो जाती है और जिसने उसको प्राप्त नहीं किया किसी अल्प चीज को प्राप्त किया उसको प्राप्त करने के लिए जिसने अपनी सारी सामर्थ्य सारी शक्ति लगाई तो उसकी सब जगह पहुंच नहीं होती है फिर उसकी सब जगह निर्बाध गति नहीं होती है तो ये दोनों में अंतर है उसका एक सीमित स्थान होता है उसको अल्प तो मिलेगा क्योंकि उसने पुरुषार्थ किया हैल्प के लिए लेकिन उसको भूमा नहीं मिलेगा तो ये हम कल पढ़ रहे थे तो कल वाले विषय में अगर आपको कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए फिर आगे चलेंगे ओम प्रणाम बहन जी जी बहन जी इसमें पितृलोक और मातृलोक आया था तो मुझे एक बात फिर याद आ गया कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ये स्वर्गलोक और नर्कलोक भूलोक भू तो समझ में आता है ये नर्कलोक और स्वर्गलोक के बारे में कुछ बताइए जी जी स्वर्गलोक तो ये जो जिसने अपने अंतर हृदय में उसको ढूंढ लिया ना आत्मा को और परमात्मा को तो उससे जो उसको सुख की अनुभूति होती है उसी को स्वर्गलोक कहा है शास्त्रों में यही पढ़ेंगे आप उपनिषद में ही और उससे उल्टा नरक समझ लीजिए फिर और इनका जो शाब्दिक अर्थ है तो वो स्वर्ग माने सुख विशेष एक सामान्य सुख एक विशेष सुख और एक फिर आनंद ऐसे ही दुख दुख विशेष बस दुख विशेष में ही आ जाएगा उसका तीसरा कुछ नहीं है तो दुख मतलब नर्क और दुख विशेष मतलब उससे भी ज्यादा माने अत्यंत दुख तो जब हम उल्टे मार्ग पे चलते हैं माने जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो आचरण करते हैं तो फिर अंदर अंदर से बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को वो स्वयं भी पीड़ित रहता है और दूसरे को भी पीड़ित करता ही है उसको नरक कहा है उसको जो अनुभूति हो रही है वो जल रहा है वो व्यक्ति अंदर से परेशान हो रहा है रो रहा है तनाव से युक्त हो रहा है डिप्रेशन में है ये सारा नरक है और जो बहुत संतुष्ट है सुखी है शांत है पवित्र है उत्साह से युक्त है जो वो चाहे वो कर सकता है तो ये सुख है स्वर्ग है ये और इन दोनों से ही ऊपर उठ करके और एक स्थिति में ब्रह्म में लीन है ये आनंद है जो बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक में जाते हैं ये वाली बात मरने के बाद स्वर्ग में इसलिए जाते हैं क्योंकि जब तक आपने अपने अहंकार को नहीं मारा अपने दोषों को नहीं मारा अपने अज्ञान को कामनाओं को नहीं मारा मतलब आत्मा तो मरता नहीं है कभी भी तो जो मरता है वो कौन है मरते हैं वो दोष मरते हैं क्योंकि वो उत्पन्न भी हुए तो जो उत्पन्न होता है वो ही मरता है तो साधना करने से या कर्म कांड विशेष करने से स्वर्ग में जाते हैं ऐसे जो कहा जाता है कि भाई स्वर्ग कामो यजेत ऐसे शास्त्रों का वचन है जिसको स्वर्ग में जाना है तो अग्निहोत्र करे तो अग्निहोत्र मतलब क्या आप जो रोज करते हैं वो तो उसका प्रतीकात्मक है उसका जीवन ही कैसा होना चाहिए यज्ञमय होना चाहिए अपने लिए कुछ नहीं सब दूसरों की भलाई के लिए दूसरों की भलाई में मेरी भी भलाई हो जाएगी तो उसी को गीता में कहा सह प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति मैंने ये सारी सृष्टि ही यज्ञ सहित रची है ये सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है सब जगह यज्ञ हो रहा है और ऐसे ही वेद में भी कहा पहले ही मंत्र में अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ देव मृत वहां भी यज्ञ की चर्चा पहले ही उसमें और उस यज्ञ का अग्नि भी ईश्वर है होता भी हवन करने वाला भी ईश्वर है अग्नि भी वो ही होता भी वही रित्विज भी वही करवाने वाला भी पुरोहित भी वो ही अग्निम ईड़े मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूँ कौन सी अग्नि की अग्निम ईड़े पुरोहितम जो पुरोहित है पुरो देवम इस यज्ञ का जो देव है यज्ञ देवम ऋत्विजम जो ऋत्विज है ये सारे अग्नि के विशेषण है अग्नि है ईश्वर उस ईश्वर की मैं ईडे स्तुति करता हूं स्तौमी तो वहां सब कुछ ईश्वर ही है तो वहां भी यही कहा सृष्टि में भी सब जगह यज्ञ चल रहा है इसलिए मेरा जीवन भी कैसा होना चाहिए यज्ञीय होना चाहिए तो ये है उसका अर्थ स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम या जेत जिसको सुख की कामना है तो उसकी हर एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए यज्ञीय दूसरे के लिए उसका बोलना उसका चलना उसका खाना उसका सुनना उसका देखना उसका महसूस करना उसका भावना करना यहाँ तक कि सोना भी नहीं तो कभी तो हम सोचते हैं ना कि चलो अभी तो हम बैठ गए अभी तो हम सो गए टाइम वेस्ट हो रहा है योगी का सोना भी किसके लिए है जागने के लिए और जगाने के लिए खुद जागने के लिए औरों को और जगाने के लिए इसलिए उसका सोना भी क्या है योग ही है दिवे दिवे धियावयम हे अग्ने दिवे दिवे प्रतिदिन और रात्रि वस्त्र दिन प्रतिदिन दिन रात दोषावस्त्र धिया वयम धिया माने बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक और धी शब्द कर्म का विवाचक है तो हम कर्म से और ज्ञान से उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्र नमो भरंत आपको नमन करते हुए तो नमन ऐसे तो सारे रात और दिन कर नहीं सकते हैं तो वह नमन का मतलब क्या है कर्म से और मन से जो भी मैं करूंगा तो वैसा करता हुआ ए मसीह आपको पाता हूं आपके नजदीक आ जाता हूं तो जिसको स्वर्ग की कामना है आप कह रहे हो कि बिना मरे तो स्वर्ग मिलता नहीं है ऐसे कहते हैं कि मरने के बाद मिलता है तो मरना मतलब क्या है यहाँ पे मारना मतलब क्या है मारना मतलब दोषों को हटाना और जिसके दोष हट गए तो उसको स्वर्ग मिलेगा उसको सुख विशेष मिलेगा निश्चित रूप से और जिस जो मरा नहीं उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा तो मरना वहां शरीर का नहीं कहा है हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये शरीर मर जाएगा तो फिर ऐसे जाएंगे रॉकेट की तरह कहीं तो वहां वैसा वो वर्णन नहीं है मैं ये नहीं कह रही हूं कि पृथ्वी लोक के अलावा और कोई लोक नहीं है पता नहीं अभी इतना बड़ा ब्रह्मांड है कोई लोक हो सकते हैं और कम से कम कुछ लोक तो खोज लिए हैं मंगल आदि में तो।, तो ऐसे कोई लोग हो भी सकते हैं कोई ऐसा लोक हो सकता है कि जहाँ पर जैसे इस पृथ्वी लोक में हमारे शरीरों की जो बनावट है स्ट्रक्चर है उसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है इसलिए हमारे शरीरों को पार्थिव शरीर कहते हैं हो सकता है कुछ ऐसे भी लोक हों जिनमें वायवीय शरीरों की वायु की अधिकता हो तेज की अधिकता हो तेजस शरीर वायवीय शरीर ऐसे पढ़ते तो हैं पुस्तक में देखा नहीं लेकिन हमने लेकिन इतना निश्चित है कि आत्मा जहां कहीं किसी भी लोक में क्यों ना जाए उसको सुख विशेष तभी मिलेगा जब वह अपने दोषों को नष्ट कर लेगा स्वर्ग उसको तभी मिलेगा स्वर्ग अगर किसी स्थान विशेष में है जो उसको मिलना चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब यह अपने दोषों को नष्ट करेगा उसका अधिकारी बनेगा और यहां मरने का मतलब है यहां तो ये इसी इसी उपनिषद में में ही बताएंगे, इसी प्रसंग में बताएंगे प्रसंग कि वो उस स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है स्वर्गम एति, उस स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। कौन जो हृदय आकाश में उसको ढूंढ लेता है जान लेता है और नहीं जानता वो नर्क में जाता है हो okay? ओम दीदी प्रणाम जी मेरा प्रश्न है कि हमने पहले दिन इस चैप्टर में पढ़े थे कि शरीर को ब्रह्म की नगरी ब्रह्मपुर कहा गया है और इसमें जो कमल रूपी जो हृदय है उसको मंदिर में जो आकाश है उसमें ब्रह्म को ढूंढने की बात कही थी तो हमने तो ब्रह्म को सर्वत्र की पढ़ते हैं और सुनते हैं बड़ों से इसमें हमने स्थान निश्चित करके उनको सीमित नहीं कर दिया नहीं नहीं सीमित नहीं कर दिया ये बताया कि आप इसको तुच्छ ना समझे ये उसका यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है वो पिंड में भी है तो ये पिंड तो उसका एक मॉडल है और मॉडल को टुकड़ा नहीं होता है उस संपूर्ण का ही एक छोटा रूप होता है आप किसी बड़ी जगह जाएंगे किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़ी बिल्डिंग में देखने जाएंगे तो उसको गेट में घुसते ही एक मॉडल बना के रखते हैं ना या उसको बनाने से पहले एक मॉडल बनाते हैं कि ये बनेगा तो ऐसे यहाँ रूम्स होंगे यहाँ गाड़ियां खड़ी होंगी यहाँ पार्किंग होगी ऐसे पेड़ होंगे ऐसी सड़कें होंगी ऐसे दिखाते हैं ना वो पूरा का पूरा होता है उसमें अधूरापन नहीं होता या उसका कोई एक टुकड़ा नहीं होता वो तो ब्रह्म सर्वव्यापक है तो आप कहोगे जी बोले इसमें बता दिया ब्रह्मपुरी तो फिर तो उस मंत्र के ऊपर भी आक्षेप आ जाएगा ना पूर्ण मद पूर्णमिदम तो ये पूर्ण नहीं होगा फिर तो शरीर में ही हमने स्थान निश्चित कर दिया एवं तो लगाया ही नहीं ना केवल आप तो शरीर की बात कर रहे हो मैं तो कह रही हूं एक सेल भी ब्रह्मपुरी है आपका एक सेल है कितने सेल हैं इस शरीर में अनगिनत गिनती नहीं कर सकते हम एक उंगली के टॉप पे कितने उसकी भी गिनती नहीं कर सकते पूरे शरीर की बात भूल जाओ आप तो ये तो ब्रह्मांड का जैसा ही हो है ना जब हम अपने ही शरीर का पार नहीं पा सकते हैं इसके सेल्स का तो सोचो आप हमारे से भी विशाल का शरीर कितने हैं इस ब्रह्मांड में तो उसका पार तो पाया जा ही नहीं सकता है तो यहां जो ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुरी तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये ही ब्रह्मपुरी है और कहीं भी ब्रह्म नहीं है ऐसा निषेध नहीं किया जा रहा है सर्वत्र भी है लेकिन यहां भी है अब यहां भी उन्होंने कह दिया इसमें भी अब पूरे शरीर में क्या व्याप्त नहीं है जब कण कण में है तो पूरे शरीर में भी है ना उसमें भी फिर एक हृदय को ले लिया हाथ पैर ये सब छोड़ दिए उसमें भी आंख नाक कान सब छोड़ दिए एक हृदय को ले लिया हृदय में भी फिर एक हृदय आकाश को ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि और पूरे शरीर में चेतना है ही नहीं वहां तो ये बताया जा रहा है कि उसकी उपलब्धि वहां होगी वहां ढूंढो ढूंढे कहा अब आपको लाइब्रेरी में मैं भेजूं कि जाओ चारुदेव शास्त्री जी का एक व्याकरण चंद्रोदय पुस्तक है ढूंढ के ले आओ और बहुत विशाल लाइब्रेरी हो कोई अपने पतंजलि से भी बड़ी हो तो क्या कहोगे आप कि जी थोड़ा ये आइडिया तो बताओ कि उतनी बड़ी लाइब्रेरी में और मैं बोलूं कि आपको इतने सीमित समय में ढूंढना है टाइम भी सीमित दे दिया आपको तो आप कहोगे जी इतनी विशाल काय लाइब्रेरी में मैं ढूंढूंगा कहाँ उसको इतनी पुस्तकें हैं लाखों पुस्तकें हैं तो कुछ थोड़ा तो आइडिया दो तो फिर मैं बताऊंगी कि उधर लिखा होगा व्याकरण की पुस्तकें उस रो में जाना तो बाकी तो हट गए ना तो आपके पास जीवन का लिमिटेड टाइम है उतने टाइम में ढूंढना है आपको उसमें भी कुछ तो बचपन में चला गया और कुछ आज तक ज्ञान में चला गया अब आज से ढूंढना है और मृत्यु निश्चित खड़ी है आप बताओ कहाँ ढूंढने तो फिर जिन्होंने ढूंढा वो हमें बता रहे हैं जिनको पता था कि आप शरीर में जो आपका हृदय है वहां ढूंढने की कोशिश करो तो यहां निषेध नहीं किया जा रहा है कि केवल वो हृदय में ही है अन्यत्र नहीं ऐसे नहीं कहा जा रहा वो उसका पता बता रही हैं कि कहाँ ढूंढोगे इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में तुम उसको कहाँ जानोगे तो उसका रहस्य जानना है तो कहाँ जान लो अपने हृदय में जान लो फिर तुम सब जगह जान लोगे दूसरा प्रश्न दीदी जो अपने आत्मा को जान लेता है वो संकल्प मात्र से जो कुछ प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है तो इसमें पुरुषार्थ की बात छिपी हुई है या उसको पुरुषार्थ तो पहले ही कर लिया कि बिना पुरुषार्थ के ढूंढ लोगे ऐसे कोई मतलब गुब्बारा थोड़ी ढूंढने जा रहे हो कि आपको फूला हुआ लटकता हुआ दिख जाएगा कहीं बिना पुरुषार्थ के थोड़े उसी से ही तो आगे ये प्रसंग बढ़ा है फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है कि वहां ढूंढने का प्रयास करो वहां ढूंढने का पुरुषार्थ करो और जो उसको वहां ढूंढ लेता है यहां यदि ढूंढ लिया ना तो सारा का सारा आप सारे लोक लोकांतर आपके हो गए आपने जीत लिए कामनाओं को जीत लिया था अब इसका लोक एक उदाहरण देती हूँ आपको जैसे एक मनुष्य में सामान्य कमजोरियां क्या हो सकती क्या क्या होती हैं सामान्य कमजोरियां होती हैं देर से उठना उल्टा पलटा खाना बीड़ी सिगरेट आदि पीना मांसाहार करना वाणी से गलत बोलना शरीर को ठीक ना रखना रोगी रखना मन को ठीक ना रखना दुर्भाव रखना विचार अच्छे नहीं रखना छोटे छोटे विचार रखना बड़े कोई चिंतन नहीं कर यही तो होती है ना ये न्यूनता ही और अब ये तो आपने एक इमेजिन की बुरे आदमी की अब आप एक कल्पना करो जिस व्यक्ति ने जिसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है जिसके पास बहुत धन है जो बहुत मृदुभाषी है जो बहुत अच्छा चिंतक है जो बहुत अच्छा भावों से भरा है जो अपने आप में संतुष्ट है जो बहुत क्षमाशील है जो बहुत बलवान है मतलब तो उसमें सारे गुण है और जो आत्मवेदता है जिसने आत्मा को भी जान लिया है अब वो व्यक्ति जब अपनी मां के साथ व्यवहार करेगा तो वो पुत्र कैसा है आदर्श है पिता के साथ जब व्यवहार करेगा तो पुत्र कैसा है आदर्श है भाई के साथ व्यवहार करेगा तो आदर्श भाई बहन के साथ करेगा तो आदर्श भाई मित्र के साथ करेगा तो आदर्श मित्र और शादी होगी पत्नी के साथ व्यवहार करेगा तो आदर्श पति बच्चे हो गए तो आदर्श पिता वो जिसके साथ भी जो भी कर्म करेगा तो एक ही साथ कितने आदर्श बन गए आदर्श तो एक बना था उसने अपने दोषों को हटाया था अपने अंतर आत्मा में एक आत्मवेत्ता बना था अच्छा समाज सुधारक बन गया एक उसी टाइम, अच्छा पुत्र बन गया अच्छा गुरु बन गया अच्छा शिष्य बन गया अच्छा मित्र बन गया सारी अच्छाइया एक साथ नहीं आ गई क्या तो सारे लोग उसके सामने उपस्थित हो गए ना एक अपना उत्थान करने से तो ये ही कल बता रही थी और वो जो आप पूछ रहे हैं कि वो कैसे हो जाता है बिना ही पुरुषार्थ के कैसे मातृलोक स्वस्त्री लोग भ्रातृलोक उसके सामने कैसे उपस्थित हो जाएंगे बिना पुरुषार्थ के पुरुषार्थ तो उसने इसमें किया है इसमें किया ये क्या थोड़ा पुरुषार्थ है ये करने के बाद कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है फिर आपने जब अंतिम चीज को पा लिया तो नीचे वाली तो अपने आप ही पाई गई ना जब आप अंतिम मंजिल के ऊपर चढ़ गए तो नीचे की मंजिलें तो आप क्रॉस करके तो चढ़े हो तो बाकी सब सब तो 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 उसके नीचे ही ही रह गया, गया, तो वो सब तो आपके हस्तगत हो ही गया। ठीक है जी ओम दीदी इसमें जो स यदि पितरों लोगों कामा भवती संकल्प एव से पितर जो आया है तो इसमें किस माता पितृलोक माता भ्राता भगिनी का जो वर्णन आया था किस कौन उपस्थित हो गये इसमें पूरा पितृलोक यानी इस जन्म के उपस्थित हो गए तो पिछले वर्णों पिछले के भी हो जाएंगे और फिर आगे ये भी कहा कि ये जो कामना जो यहाँ से एक बार चला गया उसको देखने की कामना कैसी है असत्य कामना अनृत कामना है ये क्योंकि जो एक बार यहां से चला गया वो यह दर्शनाएं न लभते वो यहां देखने के लिए नहीं मिलता है फिर बताए ना यहाँ तो इस पंक्ति से क्या स्पष्ट हो गया कि जो पहले पूर्वज मिल गए यहां से चले गए वो वापस आ नहीं सकते तो इसका मतलब यहाँ पितृलोक से उन सब पिताओं का वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि वो आ ही नहीं सकते हैं तो फिर क्या कह रहे हैं पितृलोक से पितृलोक लोग से ये कह रहे हैं कि जो पिता सुख दे सकता है अपनी संतति को पिता कितनी सहायता कर सकता है वो सारी सहायता इस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति कर देते हैं पिता का जो रवैया होता है अपने पुत्र के प्रति ईश्वर को भी पिता के लिए प्रार्थना की ना वेद में स न पिते सुनवे सुपायनो भव सचस्व न स्वस्त हमारे कल्याण के लिए स न पीते व पिता इव वो ईश्वर हमें पीते व पिता की तरह से आगे क्या है सन पीते व सुनवे सुनु होता है पुत्र सुनु सु बड़ा नु छोटा सूनु पुत्र सुनवे पुत्र के लिए स नह पिते सुपायनो भव सु उप आयन सु माने सुगमता से उपनयन माने नजदीक निकट आयन मतलब आना तो निकटता से पुत्र को पिता कैसे मिल जाता है सुगमता से मिल जाता है और घर में रहता है निकट भी है तो ऐसे जैसे पुत्र के लिए पिता सुगमता से मिलने योग्य है कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या अपने पिता को मिलने के लिए घर में ही है पिता और वो नजदीक भी है तो वहां प्रार्थना की गई ऐसे ही आप सचस्व आप हमें मिल जाओ क्योंकि आप हमारे पिता हो और हम आपके पुत्र हैं, तो ना तो दूरी है जहां मेरा आत्मा है मेरा आत्मा नहीं मैं आत्मा जहां मैं आत्मा हूं वहीं तू परमात्मा है तो जैसे पिता पुत्र में तो थोड़ी दूरी हो भी सकती है, है। उधर हो, तो हो जाना पड़े वहां तक लेकिन यहां तो इतनी दूरी भी नहीं है उसी अंतर हृदय आकाश में मैं और उसी में मेरा परमात्मा दोनों पिता पुत्र साथ साथ ही है ना तो इसलिए कहा वैसे सुगमता से और निकटता से मुझे मिल जाओ जैसे लोक मिल जाता है बच्चे को पिता तो यहाँ पर पितर लोक या मात्र लोक सारे ही बताए दिए अभी तो वही तो बताया तो जो जो भी पिता रक्षा करता है माँ करती है बहन करती है जो जो हमारे संबंधी लोग हमारी रक्षा करते हैं हमारा सहायता करते हैं हमें आगे बढ़ाते हैं वो सब इस व्यक्ति को मिल जाता है और पूरा लोक का लोक मिलता है एक कोई बहन नहीं मिलती है लाखों करोड़ों बहनें मिल जाएंगी जो आत्मवेदता है क्योंकि उसकी दृष्टि में सब क्या है जब उसको बहन की जरूरत होगी तो सब बहन अपनी बहने हैं जब उसको भाई की जरूरत हो तो, तो सब भाई अपने ही भाई हैं क्योंकि एक ही चेतना है कोई अलग थोड़ी है और जब उसको मित्रों की आवश्यकता है तो सब अपने ही मित्र हैं जब उसको पुत्र की जरूरत है तो सारे अपने ही पुत्र हैं ठीक है इसमें दीदी जैसे विशेष लोक की बात नहीं कर रहा यहां पे वो निवास कर रहे नहीं कर रहे हैं है। अच्छा अन्यथ दीदी छह यहां पहले खंड में ही बोले थे कि जो कामनाएं हैं वो ब्रह्मपुर में रहती हैं और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है ब्रह्मपुर में नहीं हृदय में हृदय वही दहर उत्रेभ्यमे तो जब नष्ट शरीर हो जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर में समाहित हो जाती हैं। हो जाती है, पहले भी में ही रहती है ऐसे थोड़ी कि पहले कहीं हाथ पैर में थी और बाद में ये मरने लगा तो उठ के यहाँ आ गई ऐसे नहीं पहले भी वही है तो जी सूक्ष्म शरीर में समाहित होते हुए भी कामनाएं उस अपहत आत्मा को प्रभावित नहीं करती दूषित नहीं करती तो फिर दूसरे खंड में कह रहे हैं कि जो जो ये संकल्प और कामना करते हैं तो ये फिर दोनों बातों में मतभेद तो कामना दो बताई ना अनृत और सत्य तो, सत्ते तो, सत्ते कामना तो, कामना तो हमेशा ही रहेगी तो तो हाँ, रहे जो उनसे ढकी होने के कारण वो सत्य कामनाएं हैं वो हमारी अभिव्यक्त नहीं होती और जिन्होंने अनृत को हटा दिया उन योगियों की अभिव्यक्त हो जाती है आत्मवेदता जो होते हैं हाँ उन, उनके, उनके है। अभिव्यक्त हो जाती हैं। जी तो पहले जो कहें कि आत्मवेदता जो होते हैं उनको कामनाएं प्रभावित नहीं करती जी तो फिर कैसे कामनाएं कर पाप पापमा जो कहा उसको मारने वाली जो कामनाएं हैं अनुत कामनाएं वो उसको नहीं प्रभावित करती हैं चलो आगे चलो हाँ इधर तो राम प्रवेश चुका दीदी प्रणाम आत्मा और परमात्मा में डिफरेंट माना जाता है और फिर अहम ब्रह्मास्मि जो मैं ब्रह्म हूँ फिर ब्रह्म अजन्मा है तो एक ऐसे आत्मा और परमात्मा में जो आप बोल रहे हो अहम ब्रह्मास्मि इस दृष्टि से देखेंगे वेदांत की दृष्टि से आप बोल रहे हैं जी, तो उनकी दृष्टि ये है एक ही चेतन तत्व है दो नहीं है एकमेव अद्वैत अद्वैत का मतलब है जहाँ दूसरा है ही नहीं तो सब जगह वो एक ही चेतना काम कर रही है लेकिन जब वो चेतना दोषों से युक्त हो जाती है जी, काम क्रोध आदि से तो उसी चेतना को जीव कह देते हैं जी आत्मा कह देते हैं आपकी भाषा में आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग जी और जब वो दोषों को हटा देती है तो फिर वो अपने स्वरूप में मिल गई तो फिर वो ब्रह्म हो गई अहम ब्रह्मास्मि जी एक तरफ अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी के माध्यम से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अर्जुन कृष्ण का क्या बोला जी कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन जी को त्मसक्ष मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जी, जी। और एक तरफ महात्मा बुद्ध हाँ। भगवान महावीर को बिना गुरु के मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जी तो यही मतलब बिना गुरु के भी ज्ञान की प्राप्ति संभव है ऐसे कह रहे ये उनका भी कोई ना कोई अंतर जो अंतर है प्रेरणा है वो कहते हैं गुरु अपने अंदर ही है जी तो कल भी मैंने बोला था कि गुरु को शरीर नहीं होता है जो हमें असत्य से हटाता है जैसे ही आप यहां से जाएंगे और कोई खड्डा है जैसे मान लो बाहर तो फिर आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि पैर इधर मत बढ़ा इसमें गिर जाएगा इधर से चल जी। तो ये जिसने कहा ना वही गुरु है आपका जी। और जो बाहर गुरु दिखाई देते हैं ना हमें वो भी यही काम करते हैं वो भी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि इधर मत चलो इधर खड्डा है तो वो भी एक मतलब हमें जो जीवन में उठा रहे हैं शरीर का नाम गुरु नहीं है जी जो लेकिन हम व्यवहार में ऐसा नहीं है कि शरीर का नाम गुरु नहीं है तो फिर शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है जी फिर क्यों नमस्ते करें तो शरीर तो हमारे उसके साथ जुड़े हुए हैं ना तो हमें इन परंपराओं का व्यवहारों का संबंधों का सम्मान तो करना ही है ना इन तो संबंध चले कैसे और उस गुरु तत्व को इतना महत्व मिले कैसे तो इसलिए ये परंपराएं बनाई गई हैं कि गुरु जो है गुरु के बारे में इसीलिए तो बोला जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर गुरु देवो महेश्वर है गुरुदेव कैसा है ब्रह्मा भी है वही विष्णु भी है वही महेश्वर है तो जो उन उनके गुण हैं, ब्रह्मा का गुण है सृष्टि करना तो हमारा जन्म भी गुरु से होता है माँ से तो केवल इस शरीर का जन्म हो गया हमारा जन्म मतलब आत्मा का जन्म है तो उसका ब्रह्मा भी वही है गुरु जी और उसका विष्णु भी वही है सृष्टि को चलाने वाला और महेश्वर कहते हैं उसका प्रलय करने वाला उसका नाश करने वाला तो वो तीनों ही शक्तियां गुरु में होती हैं गुरु महेश्वर का काम करता है मतलब अज्ञान का नाश करता है और हमारा पालन करता है ये उसकी विष्णु शक्ति है और हमारी जो शुरुआत होती है इस साधना की वो हमारा जन्म है